नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलीगुड़ी टाइम्स में। गैस सप्लाई करने वाले कर्मचारियों को शराब बेचने वाले दो व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। ये घटना सिलीगुड़ी नगर निगम अंतर्गत 5 नंबर वार्ड के नूतन पाड़ा इलाके की है। जानकारी के अनुसार हर रोज की तरह गैस सप्लाई वाहन से उक्त गैस कर्मी नूतन पाड़ा इलाके में गैस पहुंचा रहे थे। उसी दौरान रिक्शा से आ रहे दो शराब विक्रेताओं और गैस कर्मियों के बीच रास्ते में साइड देने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद गुस्साए दोनों शराब विक्रेताओं ने गैस कर्मियों को मारने पीटने लगे। इतना ही नहीं, उन लोगों ने गैस सिलेंडर में आग लगाने की कोशिश भी की। स्थानीय लोग जब वहां पहुंचे तो दोनों शराब विक्रेता अवैध शराब को छोड़कर फरार हो गए। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही सिलीगुड़ी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और अवैध शराब को बरामद किया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। सुबह सुबह मेरे को कल से फोन आ रहा था कस्टमर का, भैया लीक सिलेंडर आप आके देख लीजिए। मैं बाहर था तो बोला आपको कल सुबह ही आकर देखूंगा। उसका घर का बगल में सिलेंडर लगाया, सिलेंडर लीक था, चेंज कर दिया। उसके उधर से दारू लेकर आ रहा था रिक्शा में दो जन, आकर बोला सोरा बेसि हमारे माने ये आसे इमरजेंसी। हमने की अपने इमरजेंसी एम्बुलेंस आसे, बोले ना দেখতেছি দারু হাত মারি দিছে, মাচিস নিয়ে এটা ঠেকি খুলে আগুন লাগাতে ছিল, আমি ধরলাম, আমাকে দু চার হাত দিল। নতুন পাড়ায় থাকে মানে কি পুরা আনলিগাল তরিকা নতুন পাড়া সে দারু সাপ্লাই হতো, 5 নম্বর জায়গা জায়গা দারু বিক্রি হতো, জিসকা আন্দোলন কই নে করা। মারনে গিয়া মারা পিটা, যখন পাবলিক নিকলা তো রিক্সা ছোট করে ভাগ, উসকে বাদ দারু ছোট করে ভাগা, তো আমরা ইসকো প্রশাসন কো সৌঁপ দেতে, ঠিক আছে, জো আচ্ছা হোগা ওই করেগা।